एक बार लक्ष्मी जी एक आदमी के घर से जाने लगी, तो उस आदमी ने कहा कि माँ क्या बिगाड़ दिया हमने आपका, क्या गलती हो गई कि आप हमें छोड़कर जा रही हो। लक्ष्मी माँ ने कहा बेटा 15 दिन के अंदर मैं चली जाऊंगी तेरे घर से। माँ क्या अपराध हो गया, क्या गुनाह कर लिया हमने, क्यों जाओगी, बस मन है तेरे घर से जाने का, पर एक बात बता, मैं जाना चाहती हूं, मैं जाऊंगी तेरे घर से 15 दिन के अंदर चली जाऊंगी, पर जाने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहती हूं, कुछ मांग ले मेरे से, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगी, बस मांग ले। उस आदमी ने कहा ठीक है, जब आपने सोच ही लिया है जाने का तो मैं क्या कर सकता हूं, पर आपने कहा कुछ मांगने का तो मैं घर में सलाह कर लूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। माता लक्ष्मी जी ने कहा कल परसों तक बता देना क्या चाहते हो। ठीक है, उसने घर में सबको बिठाया, बूढ़ा आदमी था, बच्चों को, बहुओं को, पोता पोती, भाई सब आए, बोले लक्ष्मी जी जा रही हैं अब हमारे घर से, कहा है बहुत रह लिया तुम्हारे घर, 15 दिन के अंदर चली जाएंगे, कुछ मांगने का बोला है, बताओ क्या मांग लें। किसी ने कहा बहुत सारा सोना मांग लो, काम आएगा, लक्ष्मी जी जाएंगी तो सोना। किसी ने कहा जमीन जा जाए तो मांग लो। किसी ने कहा चांदी मांग लो। किसी ने कहा बहू के बेटा नहीं है, बहू के बेटा मांग लो। सबने अपनी अपनी राय रखी। घर में सबसे छोटी बहू थी, उसने कहा अपने ससुर जी से, बाबूजी मैं एक बात कहूं। हाँ। लक्ष्मी जी से बस आप ये कहो कि माँ आप तो जा ही रही हो और जब लक्ष्मी चली जाएंगी तो सोना मांग भी लोगे तो टिकेगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का हिस्सा ही सोना है, लक्ष्मी का हिस्सा ही जमीन जा जाए थे, जब वो जा रही हैं तो सब ही जाएगी फिर। तो माँ से कहना कि आप चले जाओ, धन चला जाए, पर हमारे परिवार में हम सब एक दूसरे से जितना प्रेम करते हैं ये प्रेम कभी ना जाए, हम परिवार के एक दूसरे से सदा ये प्रेम करते रहें, हमारे परिवार में प्रेम सदा रहे, ये परिवार का आपसी प्रेम ना जाए। लक्ष्मी जी आई दूसरे दिन, तुमने डिसाइड किया, बूढ़े आदमी को छोटी बहू की बात अच्छी लगी, ठीक है ठीक कहते हो, माँ आप जा रही हो तो ठीक है आप जाओ, अब हम तो कह नहीं सकते कुछ, आप रुको तो रुको, पर आप जा रही हो तो माँ ऐसी कृपा करना कि जब लक्ष्मी चली जाती है ना जिसके घर में से, उसके घर में झगड़े होने लग जाते हैं, ज्यादा धन आ जाए तो भी झगड़ा और धन चला जाए तो भी झगड़ा। माँ आप जाओगी तो हमारे घर में आपस में हो सकता विवाद हो, परेशानी हो, आप कृपा करो माँ कि आप जा रही हो तो जाओ, पर हमें एक वरदान देने का कहा था, सो ये वरदान दो कि हमारे परिवार में सदा एक दूसरे के लिए प्रेम बना रहे और घर से प्रेम कभी ना जाए, आपस में हम सभी प्रेम से रहें, मिलजुल करके रहें, कभी हमारे अंदर से प्रेम खत्म ना हो एक दूसरे के प्रति और भगवान के प्रति। लक्ष्मी जी उनकी बातों को सुनकर रुक गई और माता लक्ष्मी थोड़ी देर बाद बोली बेटा तुमने तो मुझे विवश कर दिया, किस लिए, बोले रुकने के लिए, क्यों। लक्ष्मी माँ ने कहा बेटा जहां प्रेम होता है वहीं तो मैं होती हूं, अब मैं नहीं जाऊंगी तेरे घर से, क्योंकि जहां प्रेम है वहां लक्ष्मी है और जहां लक्ष्मी है वहां प्रेम हो ये जरूरी नहीं, जहां लक्ष्मी है वहां प्रेम हो ये जरूरी नहीं है, पर जहां प्रेम है वहां लक्ष्मी होंगी ये निश्चित है, ये जरूरी होगा। तो लक्ष्मी जी वहां रहती हैं जहां जहां परिवार में प्रेम, गांव के लोगों में प्रेम, देश के लोगों में प्रेम, समाज में प्रेम,
आपस में मिलजुल के पूरा देश, पूरा भारत देश ऐसा रहे कि हम पूरा देश एक परिवार की तरह रहें। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब प्रेम से। जहां प्रेम है वहां परमात्मा, वहां सुख शांति समृद्धि सब कुछ है। इसलिए परिवार में क्या होना जरूरी है? धन जरूरी नहीं है, धन तो आ ही जाएगा। बहुत लोगों के घर में धन है, प्रेम नहीं। बहुत पैसा है, कितने लोग मेरे से कहते हैं महाराज जी हमारे घर खूब पैसा है, पर पत्नी कहती है पति प्रेम नहीं करता, पति कहता पत्नी प्रेम, सब है, धन है, प्रेम नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है। तो जिनके यहां प्रेम है वो बहुत अमीर लोग हैं, जिन्हें बहुत प्यार मिलता है वो बहुत अमीर होते हैं। इसलिए अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर वो है जिसे बहुत प्यार करने वाली माँ हो, बहुत प्यार करने वाली बहन हो, बहुत प्यार करने वाला भाई हो, बहुत प्यार करने वाला पिता हो, बहुत प्यार करने वाली पत्नी, बहुत प्यार करने वाला पति और बहुत प्यार करने वाली संतान जिसके घर में हो, बस वो लोग सबसे अमीर होते हैं। और जिनके हृदय में प्रेम हो तो प्रेम फिर भगवान से भी हो। परिवार से प्रेम होना चाहिए, पर परिवार के साथ साथ भगवान से भी प्रेम होना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।